शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मॉम, मैं थक चुकी हूँ एडजस्ट करते करते, अपना मन मारते मारते। क्यों मारती हो अपना मन खुशी? अगर तुम्हारी रोहित से शादी हो गई है तो इसका मतलब ये तो नहीं बेटा कि तुम छोटी छोटी चीजों के लिए तरसती रहो, अपना दिल दुखाती रहो। अगर तुम्हारी रोहित से शादी हुई है तो ये मत भूलो कि तुम जेडी थापर की पोती हो, तुम प्रिंस थापर और मेरी बेटी हो खुशी। तुम और मैं तो आज भी माँ बेटी है ना? और मेरा जो कुछ भी है किसका है खुशी, सब तुम्हारा ही तो है। और ये रहा तुम्हारा और सौम्य का कमरा। इसे यहां देखकर बुरा मत लगाना, ये ज्यादा दिनों तक यहां रहने वाली नहीं। तुम तो जानती हो सिर्फ 40 दिनों की बात है। सिंदूर की डिब्बी तो बिल्कुल नहीं है। खोली भी नहीं। इसे यहीं पर रखना। 24 दिन के बाद जब मैं इस घर में आऊंगी तो इसे अपने हाथों से खोलकर अपनी मांग में सिंदूर भरूंगी। तुम्हारी मांग में ये सिंदूर थोड़ी है, सिर्फ लाल रंग है और वो भी बस कुछ दिनों के लिए। संजना, संजना तुमने अंदरों से जो कुछ भी कहा, संजना देखो आगे जो कुछ भी होना है हमें पता है, जो हमें करना है वो हम कर रहे हैं, लेकिन उसे ये सब कहने की जरूरत नहीं। सौम्या, मैंने उसे जो कुछ भी कहा है बहुत सोच समझ कर कहा है। मैं चाहती हूँ कि वो तुम्हारे साथ जितने भी दिन रहे अपनी हदों में रहे। वो ये बात कभी ना भूले कि वो तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ 40 दिन की मेहमान है, सिर्फ 40 दिन। जी गुरुजी, जी हाँ जी, शाम को आपका आशीर्वाद लेने के लिए हम लोग पहुंच जाएंगे गुरुजी। वैसे भी मैं कोई काम आपसे पूछे बिना तो करता नहीं। जी हाँ।
अच्छा गुरुजी, प्रणाम। कहाँ में गुरुजी से बात हो गई? वो शाम को 6 बजे हमसे मिलेंगे। ठीक है, तो हम आज ही गुरुजी के दर्शन के लिए चलेंगे और साथ अन्नकूट का प्रसाद भी ले चलेंगे, गुरुजी आश्रम में बंटवा देंगे। वेरी गुड। कहाँ मैं सोच रहा था कि आज का दिन इतना शुभ है, तो क्यों ना हम संजना और सौम्य की शादी की तारीख भी गुरुजी से पूछ लें। हमेशा इस परिवार का हिस्सा बनने की कोशिश की है। सौम्य मुझसे दूर जाते रहे, लेकिन मैंने उन दूरियों को नजदीकियों में बदलने की कोशिश की। मुझे लगता था कि संजना सौम्य का अतीत है, लेकिन नहीं, मैं गलत थी। संजना सौम्य का अतीत नहीं, बल्कि उनका आज है। और सौम्य ने तो दिल से संजना को अपने घर का भी हिस्सा मान लिया है, लेकिन मैंने फिर भी हार नहीं मानी, क्योंकि माँ ने मुझे समझाया था कि मुझे सिर्फ अपना धर्म और अपना कर्म निभाना है। तो आप मेरा साथ जरूर देंगे, आप मेरी सारी उलझने सुलझा देंगे, मुझे रास्ता दिखाएंगे। लेकिन राम जी, अब मेरी हिम्मत टूट रही है, मैं इस उलझन में फंसी हुई हूं जिसके बारे में आपके सिवा मैं किसी से बात भी नहीं कर सकती। राम जी, मैं इस 40 दिन के राज में इस तरह से घिर चुकी हूं कि चैन से सांस भी नहीं ले सकती। 40 दिन का राज मेरी जान ले लेगा राम जी। दुनिया कहती है कि आप अब तो अपने भक्तों को निराश नहीं करते हैं, फिर राम जी मुझसे ऐसी क्या गलती हुई है? आप मेरा साथ क्यों नहीं देते? राम जी, मां ने कहा था कि मुझे अपना फर्ज निभाते रहना है, लेकिन कैसे कैसे निभाऊं अपना फर्ज? राम जी, मेरी मुश्किल दूर कीजिए इससे पहले कि मैं टूट जाऊं। मेरा साथ दीजिए, मेरे सवालों का जवाब दीजिए राम जी। चमेली, मैं बोल रही हूँ। अरे सेठानी जी, आप सुन, टेबल पे एक लिफाफा रखा है, उसमें मैंने कुंडलियाँ रखी है और वो मैं। हाँ, आप उसे अपने साथ ले जाना भूल गई। ये क्या सेठानी जी, हम दिन रात आपके आस पास घूमा करते हैं, 40 दिन 40 दिन की माला जपा करते हैं, और आप जिस काम के लिए गई वही भूल गई, कुंडलियाँ ही ले जाना भूल गई। हाँ ठीक है, ज्यादा बबक करने की जरूरत नहीं है, ड्राइवर के हाथ से वो लिफाफा जल्दी मुझे भिजवाओ। हाँ, घर के आगे एक सिग्नल है, उस सिग्नल से लेफ्ट लेते ही मेरी गाड़ी रुकी हुई। वो जो घर से निकल के वो लेफ्ट वाला सिग्नल आता है वही ना? हाँ जल्दी। ये कुंडलिया, इसका मतलब मम्मी जी गुरुजी के पास सिर्फ शादी का मुहूर्त और तारीख निकलवाने ही नहीं गई,
40 दिनों वाले राज के बारे में भी कुछ बात करने गई है। ड्राइवर, डिक्की में जो अन्नकूट का प्रसाद है उसे लेकर अंदर आ जाए। क्या
करूं राम जी, आप रास्ता दिखाकर बीच रास्ते में निराश मत कीजिएगा। रामू। जी सर। ड्राइवर जाकर कहो कि सनातन आश्रम जाना है, गुरुजी को गाड़ी की जरूरत है, नहीं कहीं बाहर जाना। जी सर। भाग्यवती भाव। गुरुजी, आपकी हम पर बहुत कृपा है। मैं तो निमित्त मात्र हूं, करने धरने वाला तो वो ईश्वर है। हाँ गुरुजी, लेकिन अभय के लिए तो आप ही ईश्वर का रूप है। हमारे जीवन की हर खुशी आप ही की कृपा है। ये सब आपका विश्वास है, आपकी श्रद्धा है, आपकी भक्ति का प्रसाद है। गुरुजी, ये संजना और सौम्य की कुंडली है, और ये परी, मेरा मतलब है उस लड़की की कुंडली है।
एक भी चिंता मत करो, निश्चिंत रहो। उस लड़की के लिए 40 दिन के बाद सौम्य के जीवन में कोई जगह नहीं होगी। ये उसके जीवन से चली जाएगी और 40 दिन के समाप्त होने के पश्चात 41वें दिन सौम्य और संजना की शादी के लिए शुभ है। क्षमा कीजिए गुरुजी, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि 40 दिन के अंदर तो वो लड़की, मैंने कहा ना कि 40 दिन के बाद उस लड़की का सौम्य की जिंदगी से अलग होना निश्चित है, शत प्रतिशत निश्चित है। गुरुजी, इस काम में कोई बाधा या रुकावट तो नहीं आएगी ना? महादेव की कृपा से 40 साल की भक्ति और तपस्या का फल है मेरे पास। मेरी कही हुई वाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकती। ग्रह नक्षत्रों और सितारों का हिसाब किताब और मेरी गणना कभी गलत नहीं हो सकती। अगर मैंने कहा है कि उस लड़की का सौम्य की जिंदगी से अलग होना निश्चित है, उसकी मृत्यु निश्चित है। मैंने कहा है तो ऐसा ही होगा। पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जल, वायु, कोई भी मेरे कथन को मिथ्या नहीं साबित कर सकते। ये मेरा विश्वास है महादेव पर, अपनी गणना पर, अपने कथन। दिखाइए कि मेरा ही सच मुझसे छुपाए। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मम्मी जी, आज मुझसे कुछ मत छुपाइए, प्लीज बता दीजिए। संजना, देखो ना, आज खुशियों भरा त्योहार का दिन है और मेरी 40 दिनों की बहू का आधा वक्त तो कट चुका है और अब ये मुझसे 40 दिनों की पूरी कहानी जानना चाहती है।